हमारी साधना रेगुलर कैसे करें? मतलब कुछ दिन ठीक से होती है और कुछ दिन होती ही नहीं है। हाँ, तो उसको रेगुलर करने के लिए वही उत्तर है, साधना रेगुलर कैसे करें। रेगुलरली करो उसको। कोई चीज अगर रेगुलर करने की हमारी इच्छा है तो उसके लिए हमें प्रामाणिक भी तो होना पड़ेगा ना, सिंसियर होना पड़ेगा। सोचो, ऐसे सोचो कि एक कुएं में हम घिरे हुए हैं, ऊपर से कोई रस्सी डालता है और हमें खाली रस्सी पकड़नी है, खींचेगा वो व्यक्ति हमें ऊपर, तो उसको हम रस्सी को सिंसियरली कैसे पकड़े? उसके लिए सेमिनार की आवश्यकता नहीं है ना। ये समझना है कि कुआं कितना, या कुएं में रहना हमारे लिए कितना हानिकारक है, कितना डेंजरस है। जैसे समझ जाते हैं तो पूरा मन लगाकर रस्सी को पकड़े रहते हैं। तो जिस दिन वैसे ही हमें विश्वास हो जाएगा कि भगवान के विरह में, भगवान से विमुख होकर, यही संसार का स्वरूप हमें बार बार देखना पड़ेगा, हर दिन देखना पड़ेगा। कल सोकर उठेंगे तो यही स्वरूप दिखेगा, यही सारी चीजें फिर से हमें सताएंगी, भूख, प्यास, चिंता, महामारी भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जब तक हो सके, अगला 50, 60, 70, 80, 100 साल अगर हरि नाम की रस्सी को पकड़ कर रखना है तो पकड़ कर रखिए, छूटने मत दीजिए। तो इसे कहते हैं सिंसियरिटी, इसे कहते हैं प्रामाणिकता। प्रामाणिकता तभी आती है जब लक्ष्य को हम बहुत महत्व देते हैं। समस्या आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी जीवन में। चुनौतियों को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए कि आप कैसे और स्ट्रांग बन सकते हो, कैसे आप और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति जो है, कैसे आप और फोकस्ड हो सकते हो, आप कैसे और मेहनती हो सकते हो, कैसे आप और आगे बढ़ सकते हो। अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, जैसे गंगा जी बहती है ना, तो बीच में अगर कोई पत्थर डाल दे, बड़ा सा चट्टान गिर जाए पर्वत से, तो गंगा जी उसके ऊपर से, नीचे से, बगल में से, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा भी जीवन का प्रवाह वैसे होना चाहिए। चुनौतियां हैं तो ऊपर से नीचे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढना चाहिए आगे बढ़ने का। अगर ढूंढेंगे नहीं तो सूख जाएंगे। ठीक है, तो बहते रहना चाहिए। उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तो मार्गदर्शन लीजिए। जैसे पहले भी हमने कहा, मार्गदर्शन व्यक्ति विशेष से, किसी व्यक्ति से ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई सलाहकार आपको मिल जाए, कोई एडवाइजर आपको मिल जाए, कोई मेंटर आपको मिल जाए, जिसको आपको आपको लगता है कि रोज फोन कर कर ही बताना है, तो ठीक है, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। शास्त्र के रूप में हम आपको मिल सकते हैं, तो आपको कौन सा शास्त्र रोज इंस्पायर कर सकता है वो आप पहचानिए, वो आप ढूंढिए, चाहे भगवद गीता हो, चाहे कोई भजन हो, चाहे कोई स्तुति हो, जो भी आपको इंस्पायर कर सके उसको आप रोज उसका आश्रय लीजिए, प्रतिदिन लीजिए। या अगर आपको भगवान का नाम संकीर्तन जो है इंस्पायर करता है, आपको प्रेरित रखता है, तो उसका आश्रय आप लीजिए। आप अपने लिए निर्धारित कीजिए कि आपको किस चीज से इंस्पिरेशन मिलता है, वो आपका मार्गदर्शक बन जाता है, वो आपके जीवन का मेंटोर बन जाता है, क्योंकि वो आपको इंस्पायर कर रहा है ना। तो स्क्रिप्चर्स हो, शास्त्र हो, या कोई मेंटोर हो, कोई गुरु हो, आपकी साधना हो, जो भी, उससे इंस्पायर होकर चुनौतियों को आप अपॉर्चुनिटी बनाइए, संधि बनाइए, ताकि आप और स्ट्रांग बनकर, आप और मेहनत करके आगे बढ़ सकें। लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है।